दोस्तों गुड मॉर्निंग। अपने लोग स्मार्ट न्यूज़ चैनल अपने यूट्यूब के माध्यम से साथ सुदर्शन टीवी चैनल के नाते हम अपने इस ऐप के माध्यम से हम सबसे बड़ी कुछ खबरें बिहार की बताते हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते को देखते हुए, खतरे को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार के कल उच्च स्तरीय बैठक, उन्होंने निर्णय लिया कि 18 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज या सभी आपके कोचिंग बंद रहेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि आज से शाम के 7 बजे तक कोई भी दुकानें उसके बाद से नहीं खुलेंगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर कोई भी आयोजन भी नहीं होगा, सभी दुकानें आज 7 बजे के बाद बिल्कुल बंद करना है। 11 से 14 अप्रैल के बीच पर टीकाकरण की तेज़ी लाई जाएगी। पूर्व के निर्धारित जो परीक्षाएँ हैं उस पर निर्धारित को समय पर लेने का भी उन्होंने विश्वास दिलाया और कहा कि 30 अप्रैल तक सभी धार्मिक, मुस्लिम, हिंदू, जो भी धर्म के होंगे, सभी बिल्कुल संस्थान, सभी आपको धर्म स्थल सभी बंद रहेंगे। ऑफिस में 35% ही स्टाफ उपस्थित होंगे, ढाबा या होटल या जो भी होंगे 25% ही उसमें उपस्थित होंगे। सिनेमा हॉल के जो मात्र 50% से ज़्यादा कोई भी टिकट नहीं कटेगा, और जो ढाबा और लाइन होटल में जो 25% के अलावा, उन्होंने कहा सभी लोग मास्क पहनेंगे। यानी कि ये भी इन्होंने संदेश दिया कि 8 से 10 दिन बाद ये सर्वदलीय बैठक की मीटिंग राज्यपाल के साथ होने वाली है। आगे बताते चलते हैं कि शुक्रवार को 2174 जो पॉजिटिव रोगी पाए जाने पर हड़कंप मच गया। छपरा में 34 नए संक्रमित, रसूलपुर में कोरोना से बुजुर्ग होने के बाद मौत होने के बाद बताई गई। मध्य बिहार में पुरवैया और पछिया हवा के टक्कर से ऊपरी वायुमंडल के कपासी, वर्षा बेगो यानी कि कोमुलस द निमंस द क्लाउड के निर्माण से तेज गर्जना के साथ साथ आंधी और बरसात की संभावना, 2 दिनों तक डर भय। सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला, जस्टिस रोहिंगटन फॉली नरिमन की अध्यक्षता वाली ने स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से जो भी युवा हैं ये स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को चुन सकते हैं। इसमें किसी तरह के वाद विवाद होने की उसमें कोई बात नहीं बताई, नहीं माने जाएंगे। आगे अगले खबर के पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव की संभावना बिल्कुल क्षीण दिखता हुआ। सरकार को अध्यादेश में परिवर्तन करना होगा क्योंकि नई नीति लागू करने तब संभावना है, क्योंकि ईवीएम मशीन और मतभेद पेटी को लेकर आपस में संशय, सरकार के अध्यादेश लाने की तैयारी। चारा घोटाला के सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत कल होते होते बचा। अंत में कल रांची में संचालित मकंदबा की स्थिति, अगले 16 अप्रैल को निर्णय लिया जाए कि जमानत दी जाए या नहीं दी जाए। बड़ी खबर, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत भी आज कोरोना से संक्रमित हो गए, वे अस्पताल में भर्ती। साथ साथ एक दुखद स्थिति, कोर्ट के संचालन प्रक्रिया में सबको जानकारी होते हुए कि न्यायालय में अतिरिक्त भीड़ के कारण संक्रमित होने की पॉजिटिव संभावना, फिर भी कई एडवोकेट ने कल अपना निजी आपको पैसे के लालच में आकर बेतिया, मुजफ्फरपुर जैसे कई जिलों की घटनाएं छिटपुट हुई कि इन लोगों ने न्यायालय के कार्य में बाधित किया, फिर कल कोर्ट पर इन्होंने चलाने के ये उतारू हुए। लेकिन सूत्र अनुसार पता चला कि नहीं, हाईकोर्ट का निर्देश है, टेलीफोनिक सूचना के लिए सभी जिलों के न्यायालय वर्चुअल सिस्टम में चलेंगे। हम भी यही चाहेंगे, हमारा चैनल भी चाहेगा कि ऑनरेबल कोर्ट जो भी संचालन वर्चुअल सिस्टम से लाया जाए, अन्यथा फिजिकल कोर्ट से कोई भी हानि हो सकता है। ये सबसे दूसरी अहम खबर कि प्राइवेट स्कूल के जितने जो संचालक संगठन ने भी आपको पैसे के लालच में बच्चों का जीवन खतरा को न देखते हुए उन्होंने आह्वान किया कि 12 अप्रैल के बाद ये अपने प्राइवेट सभी स्कूलों को खोलेंगे, और सरकार से टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई, इस पर सरकार की आपको नज़र रखी जा रही है। सबसे बड़े दोस्तों, एक हमारे तरफ से एक सभी को सोचना कि आप कोरोना वायरस या संक्रमित कई तरह के जो सेवा गाइडलाइन सरकार से जो लागू है, आईसीएमआर या जो भी हो, प्लीज़ फॉलो करेंगे। जहां तक टीकाकरण की बात है, कोशिश करें कि सबसे पहले टीकाकरण लें। टीकाकरण से लेने से ही आपको पता चलेगा कि आप कोरोना के पेशेंट हैं या नहीं। इस तरह से आप अपने को फिजिकल डिस्टेंस रखते हुए, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हुए, अगर दोस्तों अपना जीवन को अपना स्वयं निर्णय लेना होगा, न कि कब तक आप किसी दूसरे पर निर्भर रहेंगे। दोस्तों आप इन्हीं शब्दों के साथ कुछ अच्छे अच्छे बातों पर हम आपके शेयर लेकर आते रहेंगे। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद।